नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं गोहिल मित्तल और आप देख रहे हैं लोक सामना न्यूज। तो देखते हैं आज के मुख्य समाचार बंडा मुंडा से हमारे रिपोर्टर लखन लोहार के साथ। क्राइम चेक ऑर्गेनाइजेशन राहुल केरा के द्वारा कुम्हार बस्ती में कुम्हार लोगों को किया गया सम्मानित। बंडा मुंडा निकट कोयला गेट के पास कुम्हार बस्ती में अपराध जांच संगठन के रूप सेवा से नव वर्ष के उपलक्ष पर कुम्हार लोगों को आज गमछा और मीठा पैकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ अयोध्या से आया हुआ अक्षत भी दिया गया। संगठन के अध्यक्ष श्रीमती अमृत कौर ने यह कहा कि कुम्हार बंधु हमारे समाज के लिए जरूरी हैं, जो हमारे परंपरा को पूरा करते हैं। दीपावली में दीपक बनाना हो या पूजा की मूर्ति, शादी ब्याह में लगने वाले मिट्टी के पात्र सभी कुम्हारों के द्वारा ही बनते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना उचित है। अपराध जांच संगठन के पहल से सीआरपीएफ कमांडर श्री श्रीकांत कुमार साहू, भाजपा के वक्ता श्री धीरेन सेनापति, वेलनेस और फिटनेस कोच श्री डी अप्पा राव प्रमुख अतिथि रहे, जिन्होंने कुम्हार भाइयों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में न्याय चक्र फाउंडेशन के अध्यक्ष लखन लोहार, उनकी टीम में मालती सिंह, रीना राय, निविता जीना, जसवीर सिंह, बी मंडल, परमेश्वर समर सिंह, प्रहलाद ताती, सत्यजीत प्रधान, ऋषभ अग्रवाल ने मिलकर मुकेश प्रजापति, चंदन प्रजापति, इंद्रदेव प्रजापति, लखन प्रजापति, कैलाश प्रजापति, कमलेश प्रजापति, गोरेलाल प्रजापति, सोनू प्रजापति, उमेश प्रजापति, मोहन प्रजापति, मुकेश प्रजापति, पप्पू प्रजापति और सभी प्रजापति भाइयों को सम्मानित किया। भाजपा के प्रवक्ता श्री धीरेन सेनापति जी ने कहा कि आप सबको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कई सारे लाभ पहुंचाने का प्रयास रहेगा। बड़ा करते हुए ये एक दिन यही भगवान का जो राम राम बोलते ना, राम वही श्रीराम का नाम जप करेगा, यही बच्चा इनका हाथ में, ये जो राम का आज 22 जनवरी आ रहा है, श्रीराम का राम मंदिर का स्थापना होगा, इसका चलते आज ये बच्चा भी विटनेस है, बच्चा देख रहा है आज ये जो भव्य स्वागत इनका घर में श्रीराम को खिलाने के लिए। उम्मीद करता हूँ इसी तरह अगर छोटे बच्चे का शरीर में जो भगवान का वास है, अगर वहां तक हम पहुंचे, बच्चे को आशीर्वाद दे और बच्चे से दिन का शुरुआत करें, और इससे बड़ा गर्व हमारे लिए क्या हो सकता है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, ये जो कारीगर भाई लोग आप देखिए, इतने बड़े बड़े मूर्ति, इतने बड़ा सुंदरता के साथ, क्या इनका नजारा, मैं क्या वर्णना करूं, इनका मेहनत आप देख लीजिए दोस्त। ये जो कारीगर आज ये जो कारीगर अगर जिंदा है, तो इनका प्यार, इनका कारीगरिता का वजह से हर गली में, हर हिंदुस्तान में हमारा उड़ीसा का नाम आज ऊंचा है। अभी हमारा साथ, अभी आप लोग देख रहे हैं, महिला कमेटी के सभी मेंबर और हमारा सभी जवान नौजवान जो हमारा साथ जुड़े हुए हैं, कितना भी तारीफ करूं बहुत कम है। भाई जो लोचन भाई आज स्वागत किया है, भव्य स्वागत, इनका जो विचारधारा इस उम्र में, इनका सोच, और मैं कह नहीं सकता ये कितना काबिल का तारीफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस परंपरा को बजाय रखने के लिए राहुल कला में जो गणमान्य व्यक्ति और हमारा धीरेन सर, जो सभी ये बहुत बड़ा सुंदर नजारा, ये सभी का दिल में छाना चाहिए। राम सिर्फ ना मेरा ना तेरा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदू सीता हमारा। तो इसीलिए दोस्त, मेरा तेरा ना करते हुए तुरंत के रुके करें निमंत्रण उनको दे दीजिए, निमंत्रण आप हमेशा दूसरे को उजाला करते हैं, लेकिन आपके घर को उजाला करने के लिए आप इसको पूर्ण करना, ठीक है, लगना चाहिए कि हम लोग पूरा हमारा ये जो सुंदर संस्कृति परंपरा आपण मैंने देखी हुई,
आमर जड़े महान महयशी महिला पादी मुंडिया मारे मान यार अर्थ हूँ ये जो आम सुंदर आदर्श आउ नीति नियम आम से नीति नियम को बजाय रखा आउ समस्त एकजुट हो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो देखते रहिए लोक सामना न्यूज़।